नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। मैं स्थित हूँ तिलदा नेवरा शिव महापुराण कथा स्थल पर। रात का समय है और यहाँ पर जो रात रुकने वाले हैं उनके लिए भंडारे की व्यवस्था, ये देखिएगा लोग यहाँ पर खा रहे हैं। तो मैं भी आया हुआ हूँ दोस्तों कि आप लोगों को नज़ारा दिखला दूँ, क्या खाने में मिल रहा है, क्या व्यवस्था है। इस तरफ आप लोग देखिएगा तो प्लेट वगैरह सब रखी हुई है आप लोगों के खाने के लिए। यहाँ पर प्लेट वगैरह यहाँ पर रखी हुई है दोस्तों, ये देखिएगा। और सामने में बहुत से लोग खा भी रहे हैं। और समय की अगर मैं बातें करूँगा तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक शाम को यहाँ भोजन भंडारा चालू रहती है। ये नीचे आप लोग देखिएगा, सभी लोग प्रसाद यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। घर जैसा खाने यहाँ पर मिलता है दोस्तों, दाल सब्जी चावल आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिएगा लेकर यहाँ पर लोग जा रहे हैं, पास चलकर आप लोगों को मैं एक बार दिखला दूँगा। अगर आप लोग भी रात रुके हुए हैं, खाना अगर चाहते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा तो यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग सब भोजन भंडारे की व्यवस्था है और पुरुष महिला कंबाइन। तो मैं पुरुष महिला कंबाइन वाले एरिया में आया हुआ हूँ। ये देखिएगा भाई लोग सब लेकर जा रहे हैं और बहुत से काउंटर यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। ये देखिएगा बहुत से काउंटर यहाँ पर वितरण के लिए लगे हुए हैं। पास चलकर आप लोगों को मैं दिखलाऊँगा कि क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है। एक बार चलता हूँ अंदर में और दिखलाता हूँ। ये देखिएगा दाल सब्जी चावल 3 आइटम यहाँ पर मिलेगी। ये है चावल, आप लोग देखिए चावल मिल रहे हैं। इनके साइड में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर सब्जी मिल रही है, आलू मटर की सब्जी है और यहाँ पर दाल है। तो 3 आइटम आप लोगों को मिलने वाली है। और घर जैसा खाना ही है, स्वाद भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में खाया हुआ हूँ तो मुझे पता है। महिलाओं के लिए अलग सा भोजन भंडारे की व्यवस्था है, उनके लिए अलग जगह पर राइस मिल में उनके लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर महिला पुरुष कंबाइन यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है दोस्तों। तो दो जगह आप लोगों को निःशुल्क खाना पीना मिल जाएगा। इसके अलावा इस तरफ आप लोग देखिएगा तो धोने वगैरह की भी व्यवस्था है और पीने का पानी भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। समय की अगर मैं बातें करूं तो समय सुबह रहता है वही 10 बजे से 1 बजे तक रहता है। और शाम की अगर मैं बातें करूं तो शाम को रहता है 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। तो आप इस बीच में आकर भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, खाना आप लोग खा सकते हैं यहाँ। उम्मीद है साथियों आज का हमारा यह वीडियो और यह जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।